आप सब पहले तो वो पूछ लेती हूँ हेलो एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आई हुई हूँ अपने मामा के घर और ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं यहाँ पे रह ही ज़्यादा नहीं पाई थी मैं चली गई थी अपनी बुआ सास के घर बस वही सब बातें मैं आपको बता रही हूँ लेकिन वॉइस में कुछ इशू आ गया था इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है लेकिन आज सुबह उठते ही बस मैंने यही डिसाइड किया था बस अब अभी ना हम सब के उठे ही हैं थोड़ा ही टाइम हुआ है और यहाँ पे आदि दे देखो उसे जैसे ही पता चला है कि बुआ ब्लॉगिंग कर रही है तो कैसे आके चिपक गई है एकदम से कि हाँ मुझे भी वीडियो में आना है मैं कैसे दिखूँगी <laughs> तो मतलब मैंने आज सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको जो है हाउस टूर एक बार करा दूँगी तो आप देखना और बताना कि आपको कैसा लगा घर कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना जितने भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब भी हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं का नाम सबसे पहले मन में आता है ना तो मुझे लगा चलो मैं हाउस टूर करवा रही हूँ तो सबसे पहले मुझे ये दिखे तो मैंने इन्हीं से शुरुआत कर दी तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ मेन गेट पे मतलब कि बाहर से ही मैं आपको घर दिखाना शुरू कर रही हूँ मुझे लगा जब हाउस टूर करा रही हूँ तो ही घर मेन गेट से मैं आपको दिखाती हूँ तो बाहर से जो है कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हो ये ऑफ वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ है और ये साइड में नीचे ना गेट की मतलब बाहर की तरफ ही ग्रिल लगाई हुई है जिसमें कि छोटे मोटे पौधे लगा रखे हैं और ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे भी मैं आपको लेके कर चलूँगी बात में पहले मैं आपको पूरा व्यू बाहर से दिखा देती हूँ और ये हम एंट्री करेंगे अब यहाँ से मेन गेट से तो चलिए अब अंदर चलते हैं और गेट खोलते ही सामने आ जाती है सबसे पहले मम्मी <laughs> क्योंकि मम्मी को सुनाई दे गई थी सही बताऊँ आपको कूड़े वाले की आवाज़ और कूड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो रखा था क्योंकि घर पर फंक्शन था तो एंट्री करते ही इस तरीके से मतलब जो ये बाहर वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक सा है और आंगन के बाद ये सीढ़ियाँ हैं लेकिन पहले मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ एक ये जो गेट आप देख रहे हो यहाँ पे ये अंदर रूम में है लेकिन ये इस तरफ से खोलूँगी नहीं मैं अंदर की तरफ से ही आपको दिखाऊँगी और ये सामने आ जाता है वॉशरूम का गेट तो इसका भी जो एक दरवाज़ा है वो भी अंदर की साइड है तो मैं पूरा घर आपको अंदर से ही दिखाऊँगी और ये जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है बाहर आंगन में ही शूर एक और तो यहाँ से अब हम अंदर चलेंगे ये है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ और मैं आपको दिखाऊंगी अभी पूरा घर और देखते जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगे वो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए है ना ये भी मेरी बार बार बोलने की आदत हो गई है क्योंकि आप कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हो तो देखो बाहर से इस तरीके का है ये जैसे ही मैंने अंदर एंट्री किया तो यहाँ पे मुझे लगा मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई था नहीं वरना मैं आपके आगे आगे चल के फिर आपको दिखाती और इस तरीके के ये कर्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे मेन गेट तो वो वाला हो गया है जो बाहर है और उसके बाद एक ही एंट्रेंस डोर है और यहाँ पे एंट्री करते ही शुरू हो जाता है भगवान जी का मंदिर तो ये सबसे पहले जो मंदिर की दीवार है ना मतलब कि लकड़ी का बना हुआ है वैसे तो जो फ्रेम होता है आ, उसका लेकिन जो आ, ये उस पर ही मतलब एक साइड दीवार ही बोलूँगी मैं उसको उसी पर ये कुछ पेंटिंग सा है गणेश जी भगवान जी का और यहीं पर खड़ी है आधी की साइकिल जो कि शायद यहीं पर खड़ी रहती है और ये एंट्री करते ही ये देखो यहाँ से हमने एंट्री किया था ना और यहाँ पे है ये मंदिर के लिए जगह स्पेशली पूजा रूम वैसे तो मेरा मन था कि मैं पूजा रूम जो है आपको अच्छे से दिखाऊं बिल्कुल अंदर से ही लेकिन वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाता क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको एक एक चीज़ें मतलब जो पूजा रूम की हैं वो डिटेल में दिखाऊँ तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और वीडियो जो है जल्दी आ जाएगा तो आप उस वीडियो को भी देखना अगर आप ये पूजा रूम देखना चाहते हो तो और यहीं पे पूजा रूम के साइड में ही एक ये जो गेट मैंने बाहर से आपको दिखाया था ना रूम का ये उसी रूम का दूसरा दरवाज़ा है जो कि अंदर की तरफ से और यहाँ पे नानी जो है ना लेटी हुई है क्योंकि ये रूम अब उन्हीं का ही स्पेशली हो चुका है पहले इस रूम में मतलब मामा जी रहते थे उनके जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं वो भी यहीं पर जो ये वाला डोर है ना जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं सामने इधर से आ, आते जाते थे शायद क्योंकि वो बाहर की बाहर हो जाता था मतलब अंदर से नहीं आना पड़ता था और यहाँ पे ये जो विंडो दरवाज़ा है जो मैंने आपको बाहर से आंगन में से दिखाया था ये वही है और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार ये देखो इधर से ही मैंने आपको दिखाया था ना बाहर की तरफ से ये वाला दरवाज़ा जो था और अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना पूरे रूम का वो लुक दिखा देती हूँ ये नानी ये वो वाली दीवार है जहाँ पे नानी जी का नीचे मतलब फोल्डिंग है तो इसके ऊपर बनी हुई है ये राधा कृष्ण जी की एक खूबसूरत सी पेंटिंग और इधर से ये वाला जो गेट आप देख रहे हो ना ये वही वॉशरूम का दरवाज़ा है जो कि मैंने आपको आंगन में से भी दिखाया था ना वही वाला वॉशरूम है इसका एक गेट की रूम में ही अटैच है और एक बाहर की तरफ है लेकिन वो बाहर की साइड वाला मतलब बंद ही रहता है यही वाला इधर से ही यूज़ किया जाता है और यहाँ पर और यहाँ पर ये इनका एक फैमिली फ़ोटो लगा हुआ है पूरे के पूरे फोटो में जो है ये चारों पाँचों लोग ही हैं और लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा वीडियो में कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है और ये इस दूसरी दीवार पे ये पूरी जो है आपको कबर दिखाई दे रही है जो कि हमारे सबके घर में कितनी हो जाए लेकिन भरी हमेशा ही रहती है <laughs> है ना कितनी ऊँची से ऊँची आप इनको बनवा लो लेकिन ये फुल रहती हैं तो चलिए और यहाँ पे ये कुछ पुराना सामान जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको टेप रिकॉर्डर बोलते हैं शायद और यहाँ से ये हम बाहर आ गए हैं बाहर आते ही जो है ये आ जाता है हॉल वाला एरिया मतलब कि यहाँ पे पूरा ये सेवन सीटर जो है सोफ़ा डला हुआ है टेबल रखा हुआ है और सामने लगी हुई है एलईडी और निश्चय और बैठ के पता नहीं क्या गपशप कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं ये देखो और वैसे ना निश्चय और आदि में मतलब जब दोनों ये लड़के लड़के इकट्ठे रहते हैं ना तो सच में बहुत लड़ाई होती है मतलब निश्चय और वंशों की बहुत ज़्यादा लेकिन आदि के साथ इसकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो, हो रही है मतलब ठीक ठाक खेल रहे हैं ये दोनों जबकि ये दोनों तो बिल्कुल सेम एज के ही हैं थोड़ा सा ही फ़र्क है इनमें निश्चय छोटा है आदि थोड़ी बड़ी है और यहाँ पे ये सोफे के ऊपर ही एक खूबसूरत सी देखो पेंटिंग ये पेंटिंग मुझे सच में बहुत प्यारी लगती है आपको कैसी लगी मुझे बताना स्पेशली इसके लिए और यहाँ पे ये कॉर्नर में एक वास रखा हुआ है देखिए हाउस टोल वीडियो जो है ना आप लोगों की रिक्वेस्ट तो बहुत बार आई कि मैं अपने घर का जो है हाउस टूर कराऊं लेकिन मैं कभी बना नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती थी कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा तो यहाँ पे भी अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ उसको माफ़ी दे दीजिए इग्नोर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि गलतियों को इग्नोर भी कोई कैसे कर सकता है लेकिन अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं पहली बार ही कोई टूर टाइप की वीडियो करा रही हूँ तो अभी मैं उसी जगह पे बिल्कुल खड़ी हूँ जहाँ पे आदि की साइकिल रखी थी ना घर में एंट्री करते टाइम सामने हॉल इधर मंदिर और रूम और यहाँ से कैमरा थोड़ा सा इधर किया मैंने तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा मतलब जहाँ से हमने एंट्री की थी ये उससे बिल्कुल सीधा है मुड़ना नहीं है तो यहाँ पे ये आ जाती है सबसे पहले आदि की स्टडी टेबल है ये ये जो है स्टडी टेबल के बाद यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज के बिल्कुल सामने इधर ये एक वॉश बेसिन एरिया दिया गया है जहाँ पे के ऊपर मिरर भी लगाया गया है जैसे ये ना कि हॉल में बैठ के कोई खाना खा रहा है या फिर किचन में कोई काम कर रहे हैं तो फटाफट से यहीं पे हैंड वॉश आप कर सकते हो यहाँ पे हॉल एरिया में कोई भी वॉशरूम नहीं है वॉशरूम जो है ना रूम के साथ ही अटैच है सारे और ये किचन की एंट्रेंस जो कि ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया गया है बाहर से और किचन जो है ना थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि मैं मैंने आपको शायद वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि घर में फंक्शन था कल परसों का ही परसों का था हाँ जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया है उससे एक दिन पहले छोड़ के और फंक्शन था तो उसमें भी घर जो है ना थोड़ा सा तो देखो आपको पता ही है फैल ही जाता है किचन का मैंने सिर्फ आपको इसी तरीके से दिखाया है एक एक चीज़ जो है डिटेल में नहीं बताई है ये टूट जो है ना अगर आप बोलोगे तो फिर मैं इनको एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी चलिए अब बढ़ते हैं आगे और यहीं पे हॉल तक मैं आपको दिखा चुकी थी और हॉल के यहाँ पे ये जो सामने एक और रूम है हॉल के सामने नहीं मतलब होल से ही कनेक्ट है ये भी जो पहला रूम था वो भी होल से ही कनेक्ट है जो पूजा रूम है वो भी हॉल में ही है किचन है जो वो भी यहीं पे है तो यहाँ पे जो ये रूम है ना इसमें जाना हमारा भी मना है क्योंकि यहाँ पर भाई आदि की मम्मा और छोटी गुड़िया है मतलब कि जच्चा रानी है तो इस वाले रूम में मैं आपको नहीं लेके जा सकती तो अभी हम जो है ना ऊपर आ चुके हैं और ऊपर भी सेम उसी तरीके की एंट्रेंस है जैसे कि नीचे इधर ये सीढ़ियों से हम आ गए हैं सीढ़ियाँ देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी थी दोनों बच्चों को जो है ना मैं ऊपर ही अपने साथ लेकर के आई हूँ तो इसलिए मैं वीडियो मतलब रास्ते में नहीं बना पाई क्योंकि फिर ये लगता है ना मुझे कि कहीं कोई शैतानी ना कर दे और जीने उने में चढ़ते टाइम थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना ही होता है और यहाँ पे ये जो दूसरी तरफ सीढ़ियाँ थी ना ये और ऊपर जाने के लिए थी तो चलिए पहले मैं ना आपको अंदर लेके चलती हूँ और इस तरीके से यहाँ पे ये तो मे भी दीपावली का लगा हुआ है जो ये क्या बोलते हैं इनको शुभ दीपावली हाँ जी और यहाँ पे भी एंट्री कर दी इधर इस साइड में दरवाजे के बिल्कुल पास में एक दीवान डला हुआ है और दीवान के बिल्कुल साइड में यहाँ पे ये कबर्ड बना हुआ है ये इस तरीके से यहाँ से हमने एंट्री की थी ना तो यहाँ पे ये देखो और अब जो मैं आपको बता रही थी ना नीचे नानी जी लेटी हुई हैं वो पहले मामा का रूम हुआ करता था तो अब जो है ना वो ए, उनका जो रूम है वो ये बन गया है मतलब कि सोने का नहीं यहाँ पर उनके जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं ना उनको वो यहाँ पे अटेंड करते हैं अब क्योंकि नानी है ना दो साल पहले मतलब गिर गई थी तो उसके बाद से उनका थोड़ा चलना फिरना घूमना मुश्किल सा है तो उसके बाद से उनको एक मतलब परमानेंट रूम चाहिए ही चाहिए था तो इस वजह से यहाँ पे अब मामा जी ने मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है क्योंकि वो तो ऊपर आ नहीं सकती हैं और और यहीं पे सिंगल दीवान जो बेड था ना मतलब उसके सामने यहाँ पे ये यह फाइव सीटर सोफ़ा डला हुआ है जिसपे पर कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने जाने वाले जो हैं आते ही रहते हैं मामा के पास तो वो जो है अब यहाँ पे आके बैठ जाते हैं अगर उनको वेट भी करना होता है अभी मामा खाना खा रहे हैं सो रहे हैं बैठ मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तो वो यहाँ पे बैठ जाते हैं तब तक और यहाँ पे ये यह साइड में एक मुड्ढा भी रखा गया है ताकि शायद इसीलिए रखा होगा कि एक्स्ट्रा बंदे आ जाएँ तो वो यहाँ पर भी एडजस्ट हो सकते हैं और चलो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और इसी के साइड में ये जो है डाइनिंग टेबल रखी हुई है ये डाइनिंग टेबल ना मुझे याद है ये पहले नीचे ही रखी हुआ करती थी आदि के होने से पहले तक लेकिन आदि के होने के बाद जब से वो चलने लगी घूमने लगी फिर बच्चे को एक घर में अलग से जगह चाहिए होती है ना चलने घूमने के लिए फिर ये होता है कि बच्चा तो इसके नीचे भी घुस जाए टक्कर मारे तो इन सब चीज़ों की वजह से शायद इसको भी ऊपर ही शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे ना मैं आपको दूसरी तरफ से आके भी दिखा रही थी कि हमने कहाँ से एंट्री की थी फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है ना क्योंकि जो मैंने बुआ का घर दिखाया था ना तो फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि प्रियंका कुछ समझ नहीं आ रहा था थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहिए था तो देखो अब यहाँ से हमने एंट्री की थी जिस तरीके से नीचे नानी का रूम था ना तो वैसे ही सेम उसी जगह पर एक ये वाला रूम आ जाता है ये देखो और ये रूम ना बड़े वाले भैया का है और यहाँ पे बच्चे जो है ना मेरे पीछे पीछे ही हैं कभी आगे घूम रहे हैं कभी पीछे घूम रहे हैं बच्चे जो है इसी तरीके से अपना खेल रहे हैं दोनों के दोनों और ये रूम भी चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके पहले मुझे लग रहा था मैं ऊपर का है ना आपको मतलब ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन मैंने एडिट कर करके वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश की और मुझे लगा चलो आपको घर तो जो है मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा ही दिखा देती हूँ तो यहाँ पे ये एक हारमोनियम भी रखा है ना जो साइड में वो काफ़ी पुराना है काफ़ी पुराना जो बड़े वाले भैया ना मतलब उनके रूम में आपको कुछ ना कुछ कलाकारी वाली ही चीज़ें दिखेंगी क्योंकि उनका दिमाग ही थोड़ा अलग चलता है तो यहाँ पे जो है ये सामने उनका बेड जो कि पहले मामी का बेड हुआ करता था मामा मामी का नीचे था शायद ये वाला बेड पे टेडी बियर को जो है ना शेर का मुखोटा पहना दिया है और इस तरीके से यहाँ पर वॉल पे पेंटिंग की गई है मुझे जैसा भी समझाना आ रहा है जैसा भी दिखाना आ रहा है मैं आपको पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की और पूरे घर में घूमने फिरने के बाद मुझे सबसे प्यारा जो लगा ना वो मैं आपको दिखाती हूँ <laughs> ये देखो ये भाई साहब भाई सच में मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे इसीलिए मैंने है ना स्टार्टिंग में भी आपको ये दिखाए थे किस तरीके से बैठे हुए ना ऊँट के ऊपर सच में बहुत अच्छे लग रहे थे ये और अब मैं एक बार आपको पूरा रूम देखो इस तरीके से दिखा देती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं है रूम में मतलब जैसा कि अच्छा लगता है ना थोड़ा खुला खुला सा स्पेस आ, मतलब होना ही चाहिए ताकि साफ़ सफ़ाई करने में भी थोड़ा आसानी रहे और वैसे भी बहुत ज़्यादा भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता और रूम के ही यहाँ से दरवाज़ा है मतलब अंदर से ही तो मैं आपको बाहर बालकनी में भी लेके चलती हूँ कि जो बाहर से भी एक बार आपको दिखाई देती हूँ व्यू लेकिन मुझे डर भी लग रहा था इस टाइम पे क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे बंदर बंदर ना आ जाए क्योंकि हमारे झज्जर में तो जो है ना बहुत बहुत बंदर आ जाते हैं वहाँ पे ऊपर छत पे जाने का मतलब अकेले बिल्कुल सोच ही नहीं सकती मैं तो और पहले तो हम चले भी जाया करते इतना डर नहीं लगा करता था लेकिन अब तो यहाँ पर ससुराल में तो बिल्कुल बंदर वगैरह है नहीं तो अब तो मुझे सच में ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है और यहाँ पे बालकनी में है ना पौधे लगाए गए हैं मुझे नहीं पता ये कौन कौन से हैं सॉरी मैं का नाम नहीं जानती और यहाँ पे जो है इसका तो मुझे पता है ये एलोवेरा है और ये यहाँ से एक बार आपको ऊपर का दिखाऊंगी देखो ये बाहर से जितना मैं दिखा पाई थी ना नीचे से उतना नीचे से दिखाया अब मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे ये देखो कबूतर भी वीडियो बनवा रहा है इसको है ना मैंने अभी देखा है वीडियो एडिट करते टाइम भी मैंने सही बताया शूट करते टाइम भी नहीं देखा क्योंकि ऊपर कैमरा करके और मैं, सिर्फ मैंने शूट कर लिया था मैं उस टाइम देख नहीं रही थी तो चलो अब अंदर चलते हैं और अगर आपको ये मतलब हाउस टूर वीडियो अच्छा लगेगा ना यहाँ का तो फिर मैं आपको आ, मेरे घर का भी हाउस टूर कराऊँगी और अगर आप मेरे घर का भी हाउस टूर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं वो भी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगी तो बाहर निकलते निकलते एक बार मैंने आपको गेट से रूम दिखा दिया ये जो है ना यहाँ पे एक वॉशरूम है जो कि मतलब रूम के साथ अटैच नहीं दिया गया है इसको बाहर की तरफ ही मतलब दिया गया है यहाँ की लाइट वगैरह का मुझे पता नहीं था कि कहाँ से ऑन होती है कहाँ से नहीं तो जो सन थी ना उसी में मैं वीडियो बना रही हूँ और बल्कि बाद में आदि ने जो है ना लाइट ऑन कर दी थी और अब जो है ना ये सामने वाला जो रूम है जैसे कि नीचे जो वो वाला रूम था जिसको मैं कह रही थी भाई जच्चा रानी का रूम है उसमें नहीं जा सकते तो उसी तरह से उसी के ऊपर एक ये वाला रूम है जो कि भाभी का रूम है तो इसके भी अंदर चलते हैं पहले मैं आपको बाहर से दिखा रही थी एक बार और सामने से देखो कितनी ज़्यादा मतलब सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप आ जाती होगी शायद अंदर तक भी और गेट खोल लेते होंगे तब तो और भी अच्छी तो यहाँ से हमने जो है ना रूम में एंट्री की और वही सेम कबर्ड यहाँ पे भी बनी हुई है जैसे कि नीचे भी थी और अंदर दूसरे वाले रूम में भी थी मतलब सारी जगह पे इसी तरीके से है और ये भैया भाभी की शादी की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पे बेड पे बैठ के ना भैया बड़े वाले प्रेस कर रहे थे तो बस उन्होंने कहा कि तू शूट कर ले मैं एक बार बाहर चला जाता हूँ तो मतलब बेड पर आपको जो कपड़े फैले दिखाई देंगे वो प्रेस के ही कपड़े हैं और ये जो दीवार पर पे जो पेंट का कलर है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके रूम से काफ़ी मतलब अच्छा मैच भी हो रहा है काफ़ी पसंद आया मुझे ये वाला कलर और यहाँ पे इनके जो रूम में वॉशरूम है ना वो मतलब अटैच ही है एक वॉशरूम बाहर है और एक ये अटैच है जो कि भैया भाभी के रूम में ही है और अभी तो बिल्कुल खाली है क्योंकि भाभी तो आपको पता है मैंने बताया कि नीचे है और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे ना वो सोच रहे होंगे कि क्या फंक्शन था और भाभी कैसे नीचे है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि पहली तो एक उनकी जो आदि आपने देखी ना वो उनकी बड़ी बेटी है जो कि निश्चय के साथ की है निश्चय से पाँच छः महीने बड़ी है और अभी उनको दूसरी बेबी गर्ल हुई है तो उसी का फंक्शन था दो तीन दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया जिस दिन मैंने वीडियो शूट किया था उससे एक दिन पहले और ये यहाँ पे ऊपर वाला वॉशरूम मैंने आपको दिखाया अब चलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि भैया को भी जो है ना अपनी प्रेस करनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे दिखाऊं कैसे नहीं और सामने ये ना बेड के बिल्कुल सामने एलईडी भी लगी हुई है और उसी के साथ में एक वॉल शेल्फ टाइप की लगी हुई है जिसमें कि कुछ फोटो भी रखे हैं भाभी का है उसमें भाभी का भाई है शायद उनके साथ फ़ोटो है दिखाई नहीं दे रहा मुझे कैमरे में और उस टाइम मैंने शायद ध्यान से देखा नहीं और ये एक साइड में ड्रेसिंग uh, टेबल रखा हुआ है और इनके रूम में भी जो मेरे पास से है ना देखो वही देखने की कोशिश कर रही हूँ तो हाँ ये भाभी की फ़ोटो है उनके भाई के साथ और ये यहाँ से हमने एंट्री की रूम में और इसी गेट के सामने ही ये देखो यहाँ पे एक ये दूसरा गेट आ जाता है जैसे कि बड़े वाले भैया के रूम में थे ना सेम उसी तरीके से तो एक बार इस गेट को भी खोलेंगे और बाहर चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब इस वाले रूम में भी बालकनी लगती है तो मतलब काफ़ी अच्छी धूप वगैरह तो आ ही जाती है शायद शाम को छाया भी अच्छी आती होगी और सर्दियों में सर्दी भी खूब अच्छी आती होगी <laughs> क्योंकि भाभी वीडियो देख रही होगी तो भाभी कह रही होगी हाँ सारी मुझे बता दिए आपने तो <laughs> ये तो नहीं बताया कि सर्दियों में सर्दी भी खूब अच्छी आती है वैसे गर्मी में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ये बात तो है ऊपर के घरों में और यहाँ है ना शायद कुछ एक्स्ट्रा का सामान रखा हुआ है जैसे ये कूलर रखा हुआ है फोल्डिंग रखा हुआ है और वो जो गेहूं की टंकी होती है ना साइड में वो रखी है और ये फोल्डिंग पहना पहले तो नानी आके बैठ जाया करती है इस वाली बालकनी में भाभी बता रही बताती हैं जैसे कई बार मतलब पहले तो ऊपर वो आराम से चढ़ जाया करती थी लेकिन अब तो नहीं मतलब उनका जीने वीने में उनसे नहीं चढ़ा जाता तो गेट कर देते हैं वापस बंद और चलो अब चलेंगे नीचे क्योंकि पूरा घर घुमा दिया है मैंने आपको मैं और अभी ना मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी देखो ड्रेसिंग पे जो रखी है वो भाभी की है ना वो वाली फ़ोटो है जो हमने शादी से पहले देखी थी भाभी की शादी से पहले और तो चलो अब चलते हैं नीचे और निश्चय देखो मेरे आगे आगे चल रहा है मैं निश्चय के पीछे पीछे चल रही हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ दिखानी रह गई थी ना तो मुझे लग रहा था कुछ भी कोना छूट ना जाए मैं आपको पूरा हाउस टूर ही कराऊँ तो आइए चलिए फिर अब मिलती हूँ मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये मनी प्लांट देखो ऊपर से ही लटकता आ रहा है तो चलिए फिर बाय बाय